साल 1866 में आज ही के दिन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। साल 1783 में आज ही के दिन अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध के दौरान पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर करने के 3 महीनों के बाद ब्रिटिश सैनिकों ने न्यूयॉर्क शहर छोड़ दिया था। साल 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा की आखिरी बैठक में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने समापन भाषण दिया था। इसमें उन्होंने नवनिर्मित राष्ट्र के सामने आने वाली चुनौतियों का विस्तार से वर्णन करने के साथ ही बड़े संयमित शब्दों में उन चुनौतियों से निपटने के तरीके भी सुझाए। साल 1960 में आज ही के दिन कानपुर और लखनऊ के बीच पहला सब्सक्राइबर ट्रंक ड्रायलिंग यानी एसटीडी सेवा को शुरू किया गया था। साल 1973 में आज ही के दिन ग्रीस में हफ्तों से फैली अशांति के बीच आज ही के दिन वहां की सेना ने तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज पापाडोपोलोस का तख्ता पलट दिया था। साल 1990 में आज ही के दिन पोलैंड में पहला राष्ट्रपति चुनाव आयोजित किया गया था। इस चुनाव को जीतकर लेक वालेशा पोलैंड के राष्ट्रपति बने थे। पोलैंड में सॉलिडेरिटी पार्टी की सरकार बनी।